हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं हाउ टू फिक्स टेक। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ आपने ब्राउजिंग हिस्ट्री कैसे क्लियर करनी है। तीन ब्राउजर्स में आपको बताने वाला हूँ, गूगल, फायरफॉक्स और माइक्रोसॉफ्ट एज। तो पहले सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं गूगल क्रोम से। तो उसके लिए दोस्तों आपको गूगल क्रोम खोल लेना है। यहाँ पर इसकी हिस्ट्री डिलीट करनी है हमने। इस तरीके से ओपन होता है। आपको यहां पर चले जाना साइड में, ये जो यहां पर थ्री डॉट्स बने हुए हैं, यहां पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको ये ऑप्शन दिखेगा यहां पर चौथे नंबर पर, हिस्ट्री, ये देख सकते हैं हम यहां पर। इसी के साइड में आपको इस तरीके से आ जाना है, इस पर क्लिक करना आपको हिस्ट्री पे। आपको हिस्ट्री पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से ऑप्शन दिखेंगे, ये आपकी हिस्ट्री है यहां पर बहुत सारे नीचे तक। आपको दोस्तों यहां पर क्लिक करना है क्लियर ब्राउजिंग डेटा पे, इस पर आपको क्लिक करना है। इस तरीके से आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सिस्टम में बाय डिफॉल्ट बेसिक पे होगा। दोस्तों आपको एडवांस पे चले जाना है यहाँ पर इस तरीके से। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मैंने सारे टिक कर रखे हैं, अदरवाइज आप इस तरीके से आपको टिक करने हैं सारे, आपको यहाँ से डिलीट कर देने हैं। अगर आपने कोई पासवर्ड वगैरह सेट कर रखा अपने सिस्टम में, उससे आप लॉग इन करते हो तो पासवर्ड आप यहां से छोड़ सकते हो, पासवर्ड वहीं सेफ रहेगा आपके सिस्टम में। और बाकी जो ये ब्राउजिंग डेटा, डाउनलोड हिस्ट्री, कुकीज फ्रॉम अदर वेबसाइट वगैरह, ये सारे आपको डिलीट कर देनी है यहाँ से। क्लियर ब्राउजिंग डेटा पर आपको जाना है यहाँ पर, और थोड़ा सा टाइम लगाया गया, घूमेगा पूरा आपका सिस्टम जो है फ्रेश हो जाएगा। जितने भी हिस्ट्री आपने यहाँ पर सर्च कर रखी है सारे डिलीट हो चुकी है। दोबारा कंफर्म करने के लिए आप फिर से यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर जाएंगे हम फिर से, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। आप देख सकते हैं यहाँ पर तो क्लियर ब्राउजिंग डेटा कर दिया मैंने, यहाँ से सारे हिस्ट्री डिलीट कर दी। अब दोस्तों मैं आपको फायरफॉक्स में बताने वाला हूँ किस तरीके से आपने इसकी हिस्ट्री डिलीट करनी है फायरफॉक्स ब्राउजर की। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ यहाँ से। इस तरीके से फायरफॉक्स का ये सेटअप होता है स्टार्टिंग में। आपको यहाँ पर चले जाना है दोस्तों, थ्री एरो टाइप के बने हुए हैं यहाँ पर, ये यहाँ पर क्लिक करना आपको। उसके बाद आपको इसकी सेटिंग में आ जाना है यहाँ पर, ये देख सकता हूँ यहाँ पर। जैसे आप सेटिंग में आएंगे इस तरीके से आपको ऑप्शंस दिखेंगे, आपको यहां पर जाना है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में। अब आपको इस तरीके से नीचे आ जाना है यहां पर। अब आपको यहां पर दोस्तों देखना है कुकीज एंड साइट डेटा, क्लियर डेटा पर आपको क्लिक करना है यहां से, ये देख सकता हूं यहां से, और इसको क्लियर कर देना है यहां से क्लिक करके। क्लियर नाउ कुकीज हमने यहां से डिलीट कर दी। अब नीचे आना आपको यहां पर, आपको हिस्ट्री के सामने आना है यहां पर। यहां पर रिमेम्बर हो रखी है, फायरफॉक्स विल रिमेम्बर योर हिस्ट्री, डाउनलोड फॉर्म्स एंड सर्च हिस्ट्री। यहां से भी दोस्तों आपको क्लियर हिस्ट्री पे क्लिक करना है यहां पर, देख सकता हूं। और ये लास्ट वन आवर का सिलेक्ट हो रखा होगा आपके सिस्टम में, आपको एवरीथिंग कर देना है इस तरीके से, और इन सब पे इसी तरीके से टिक कर देना है आपको। ये भी आप टिक कर सकते हैं यहाँ से ये, और उसके बाद ओके कर देना आपको यहाँ से। तो आप देख सकते हैं दोस्तों इस तरीके से मैंने आपको गूगल क्रोम और फायरफॉक्स की हिस्ट्री कैसे डिलीट करते हैं वो बता दिया। अब मैं माइक्रोसॉफ्ट एज के अंदर कैसे आपने डिलीट करनी है हिस्ट्री ये बताने वाला हूँ। तो आपको यहाँ पर सर्च बार में जाना है, एज आपने टाइप कर दिया, माइक्रोसॉफ्ट एज को ओपन कर लेना है। आपको यहाँ पर थ्री डॉट्स का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर जाना आपको। आपको देन हिस्ट्री का ऑप्शन दिखेगा यहाँ पर, इस पर क्लिक करना आपको। आपको दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट इस तरीके से दिखेगा, आपको साइन इन करना पड़ेगा उसके लिए पहले। तो मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट का कोई भी अकाउंट नहीं है, आपको साइन इन कर लेना है। और उसके बाद आपको ऑल सेलेक्ट करके यहाँ पर, जैसे आपने गूगल क्रोम में हिस्ट्री डिलीट करी उसी तरीके से आप हिस्ट्री डिलीट कर सकते हैं। और इस तरीके से दोस्तों आप तीन तरीके से
तीन ब्राउजर में अपनी हिस्ट्री को डिलीट कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग हाउ टू फिक्स टैग।